हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो गाइस, आज हम लोग जा रहे पर अब तो नहीं आएगा ना। आज हम जा रहे छिलीपम, जो कि अरुणाचल का बहुत फेमस मॉनेस्ट्री है, हमारा बुद्धिस्ट का है ना, और बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। और बहुत ज़्यादा समय हो गया, आफ्टर लॉन्ग टाइम नहीं किया मॉनेस्ट्री, और अभी आज प्लानिंग किया है जाने का, सडनली प्लानिंग बना ना, उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं। तो हमको बहुत खुशी लग रही है, पर मौसम है ना ऐसा, यहाँ से दिखाई दे रहा है, मतलब आधा रास्ते से ना बारिश की वजह से लग रहे हैं, तो पता नहीं क्या होगा। मौसम ने साथ दिया तो और भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा मेरा ब्लॉग, और आई होप गाइस आप लोग पसंद करेगा होगा। सो या गाइस, बने रहिएगा, स्टे ट्यून और देखते रहिएगा मेरे चैनल को। हम पहुंच चुके हैं छिलीपम गोमता में, आफ्टर लॉन्ग गैप। सो बहुत ज़्यादा खुशी लग रहा है हमको, और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि आजकल ना ये रास्ता से इतना ज़्यादा हम लोग नहीं चलते, क्योंकि रास्ता अलग जगह से निकल गया हाईवे ना, इसलिए। सो फाइनली गोमता पहुँच गया, इतना ज़्यादा खुशी लग रही, इतना ज़्यादा खुशी लग रही गाइस कि मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सक रहा आप लोगों को ना। सो या थोड़ा खुशी का अंदर दबा ना होगा, ज़्यादा खुश होने से यहाँ चुने यहाँ सी गए। सो
गाइस ये रहा छिलिपम गुंपा का व्यू जो इतना सुंदर आ रहे। और वहाँ तो देखो तो बोमदिला नजर आ रहे, बोमदिला नजर आ रहे। और इतना सुंदर व्यू है ना माय लॉर्ड, यहाँ आने से ना कहीं जाने का मन ही नहीं करते। इतना अच्छा व्यू है वाह, इतना सुकून, इतना पीस, इतना अच्छा लगता है हमको यहाँ आने से। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा होगा देख के। और इफ़ आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना और लाइक करना, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना, और शेयर भी कर देना। और जिस जिसको भी नहीं पता है छिलिपम के बारे में अरुणाचल, अगर आप लोग को ये छिलिपम गुंपा में आना है तो हम बता देगा आप लोग को अच्छे से कि कैसे करके आना है, कहाँ कर कैसे कहाँ से कैसे करके आना है करके, और कितना किलोमीटर का दूरी है ना। अभी हमको फ़िलहाल पता नहीं, हम पूछ के फिर आप लोग को बता देगा, लास्ट में हम आप लोग को अपडेट कर देते। और प्लीज़ आइएगा, ज़रूर विज़िट करना, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत पीसफुल है, और हमको पता है आप लोग को पसंद आएगा। फाइनली हम लोगों को पूरा दर्शन हो चुका मोनेस्ट्री का, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आज का दिन बहुत ही अच्छा था, और सुबह से आज जो मेरा काम के लिए हम निकला था वो काम भी अच्छे से हो गया। और हम लोग जो मोनेस्ट्री आया, मोनेस्ट्री में भी बहुत अच्छे से दर्शन मिला है। देख के बेटा ऐसे मत देखो ना, शर्म लगते बोलने में। बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, और जो मोनेस्ट्री ज़्यादातर तो जो ऊपर का आप लास्ट फ्लोर है ना टॉप का, वो तो बंद ही रहते, पर हम लोग आए तो गुरुजी लोग ने खोल के दिया, तो अंदर जाके अच्छे से दर्शन भी करने को मिला। और यह गाइस ये जो छिलिपम जो है बोमदिला से आने से, बोमदिला से रूपा आना पड़ता है, रूपा से फिर छिलिपम, तो बोमदिला से रूपा आने में 18 किलोमीटर, फिर रूपा से छिलिपम आने के लिए 14 किलोमीटर, टोटल 31-32 कुछ किलोमीटर लगते हैं। इतना एग्जैक्टली पता नहीं चला, यहाँ से हमने गुरुजी से पूछा था मोनेस्ट्री था, तो उन लोगों ने बताया, लामा लोग ने, गुरुजी लोग ने बताया, तो यहाँ ऐसा कुछ है। तो अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से, और मेरा आज का व्लॉग इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। और बहुत ज़्यादा खुशी लगा, आफ्टर लॉन्ग 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 ये बात आया ना, तो सच्ची में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच गाइस। और भी आप लोगों को कुछ जानना है, कुछ आने के लिए है यहाँ पे ना अरुणाचल पे, और थोड़ा घूमना है इधर उधर, और ये मोनेस्ट्री आना चाहते हैं आप लोग, तो प्लीज़ कमेंट में मुझको बोल देना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई कर देगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, पीस एंड स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, बाय।